चलिए डालते हैं नजर उस खबर पर जो कि आ रही है बिहार से। अगली खबर है बिहार की बड़ी खबर। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड में शमशान की भूमि पर सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास होना था, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने ही किया शमशान भूमि के निर्माण का विरोध। आपको बता दें कि नगर विकास मंत्री सुरेंद्र शर्मा को ये काम करना था, लेकिन नहीं पहुंचे मंत्री साहब। मौके पर SDO कुंदन कुमार, SSP सहित पहुंचे, भारी मात्रा में पुलिस बल भी पहुंचा। और अब SDO कुंदन कुमार का कहना है कि इस मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई होगी। तो चलिए जानते हैं कि SDO पूर्वी कुंदन कुमार ने इस मामले को लेकर क्या अहम और खास जानकारी दी। नहीं, मंत्री जी का कार्यक्रम तो 1 बजे के आसपास में निर्धारित था। हम लोग इसके पूर्व में भी ही सूचना प्राप्त हुई कि उस स्थल पर जहाँ पर कि STP का निर्माण होना है, वहाँ पर कुछ लोग जमा हो गए हैं और वहाँ STP का निर्माण ना हो इसको लेकर के विरोध कर रहे हैं। हम लोग स्थल पर गए। एक्चुअल स्थिति ये है कि वहाँ पे 6 एकड़ जमीन है और उसमें से कुछ भाग पर अतिक्रमण है और बाकी सारा भूभाग खाली है, जिसका उपयोग जो है इन 5-7 पंचायतों के द्वारा श्मशान के रूप में किया जा रहा है। लेकिन वो जमीन ना तो श्मशान की है और ना तो ये कहीं पे दर्ज भी, लेकिन व्यवहार के रूप में उसका श्मशान के रूप में उपयोग होता है। हमको STP के लिए जब जमीन की आवश्यकता पड़ी तो उसी में से 3.5 एकड़ जमीन हम लोगों ने दे दिया। बाकी 2.5 एकड़ के आसपास की जमीन को हम लोग उनको कब्रिस्तान में सेड वेड करके बढ़िया से डेवलप करके हम लोग उसको देने के लिए राजी हैं। इसके लिए हम लोगों ने उनको वार्ता के लिए भी बुलाया, हालांकि वो लोग वार्ता के लिए नहीं आए हैं। अगर आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते हैं तो लीगली वो मेरी जमीन है, हम उसका उपयोग कैसे करेंगे वो हमको डिसाइड करना है। सरकार की जमीन है जी, बिल्कुल। और इसमें इस रास्ते में जो भी आएंगे उसको कानूनी तौर पर हम लोग सल्टेंगे।